तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर खुद पूछ लो, वो तो नहीं करेंगे, कुछ तो निकला ही इसके बाद। हेलो ठीक, चलो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा तेजी बोलना हमको भी, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, मतलब आवाज तेज है बट माइक का काम तो पकड़ना है, वो ऐसे ही है तो नॉर्मल आ रही है। चलो शुरू करो, स्वागत करें फिर, कर दे वेलकम है। और भाई आज हम लोग ऐसे मां बन जो यार उन लोगों की, क्योंकि डेली अच्छे से सुनते हैं वो लोग, तो भाई वेलकम है। आज जो स्वागत है वाला लाइव स्वागत है ये थे वो माइक टेस्टिंग क्या कर दिया तुम, तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। चलो भाई, तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हम लोग नया प्लेयर लेके लॉन्च कर रहे हैं, नया खिलाड़ी आया है, बताना है कितनी गालियां दोगे इसको क्योंकि और तो कुछ मिलने से रहा, और कोई मतलब तुमको हक है इस चीज का कि तुम्हें कुछ और ना मिले गाली दो ठीक है। तो भाई क्या लेके आए फिर आज? तो गाइस इंट्रो कुछ आज हम लोग ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो पहली चीज तो एक प्रमोशन जो रहता है हमारा वो मैं कर देता हूँ कि एक चैनल है जो व्लॉग बनाता है, तो मेरे ऊपर आ रहा होगा उसका वीडियो के एंड में, मैं लगाऊंगा लास्ट में चैनल का, तो उस पर जाकर क्लिक करके देखो, व्लॉगिंग स्लॉगिंग कैसे मजे मचाती है लोगों ने। बाकी फिर जैसा कि जानते हो हमारा फॉर्मेट सिर्फ गलती निकालनी है, तो हम लोग लाए हैं आज इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड, जिसमें उसका बाप आया है तन्मय भट्ट, जिसका वो तन्मय भट्ट और वो और रघु रघु मच्छर की जाट ठीक है। तो हम लोगों ने और भी एक लोग होंगे, तो सबसे मेन चीज कि समय के पापा आए हैं उसपे, और साथ में इन लोगों का ये भी सुना है कि चोपे पे मारते थे, चोपे इन द सेंस समय तन्मय भट्ट का लेता था पहले, हाँ मार्केट में आने से पहले इन द सेंस उठाता था ठीक है। फिर जब थोड़ा रेलेवेंट हो गया तो साइड हो गया, तो ये चीज तो तुमने उसमें देखा होगा वो वाले शो में, क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत जगह बोला गया यार इसको, तन्मय भट्ट वो तो बोला गया, प्रीटी गुड दोस्त तो देखा है उसमें, ये एक में गया था तो उसमें ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग सिर्फ यही मेरे लिए बोलोगे, कुछ नया नहीं लेके आए हो, ये सब बोल के ये स्मार्ट बन गया था। बट भाई जिसका लिया है तो आदमी वही ना बोलेगा, और अलग से किसी के थोड़े ना बोलेगा कि तुम उसका भी ले लिए हो, तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट एपिसोड में उसको लाया था करिए को, जो वो था अफ्रीकन या कुछ भी था जो आया नहीं था, अब उसका लेने लगा होगा, हो सकता है जो सब पसंद आ जाए, अब हम लोग बोल सकते हैं अपनी अपनी पसंद है, घर से ये बोल हाँ क्या बात। हेलो हाँ भेज दिए थे, उसी से रहना है चौबीस घंटे के लोकल में। तो भाई तन्मय भट्ट, हाँ तो भाई स्टोरी समझा दी है इसको, कॉल आ गया था वो सब तुमने देख ही लिया, वो कैमरे में डाल देंगे तो तुम लोग के नहीं क्लिप्स ठीक है।
बता दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें लगेगा स्क्रिप्टेड है बट इसने अभी तक एक भी ऐसा हाँ, लेटेंट नहीं दिखा है, और प्रीटी गुड रोस्ट शो भी इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जान रहा है उसको शो आया ये भी जान रहा है बट देखा नहीं है, तो आज देखते हैं कि ये क्या, इसको पहली बार देख रहे हैं तो कैसा रिएक्शन रहेगा फर्स्ट इसका। टाइम फीडबैक जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, और ये तो बहुमूल्य फीडबैक है, हाँ जबकि हमारा काम है नेगेटिविटी फैलाना तुम लोगों के कंटेंट पे, फेवरेट वालों के। ऐसे नहीं, नेगेटिविटी ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हम लोग, तो देखते हैं क्या ये आज कबूतर छोड़ेगा सब सफेद वाला। सफेद वाला कबूतर ही छोड़ते हैं ना पीस के लिए, इसके लिए या डोव छोड़ते शांति के हैं, लिए, डब नहीं, कबूतरी। कबूतर ही उड़ा जाता है गाइस। ठीक है, तो शुरू करें फिर, चालू करो फिर, चालू करो। लेकिन क्या पता अभी कमेंट में बोले नहीं डब ही होता है। डब वो तो लगा लेना। ये पहली बार किया है फ्री। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये ऐसे खाते हैं। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो। खाना पीना ये लोग पूरा करता रहता है। लेकिन अभी बजट थोड़ा सा, पहले पैसा नहीं आता था, पैसा आ गया तो टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी फिजिक वाला लगा क्या, वैसे ही लग रहा था। एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा। ठीक है, समझ गए। टिकट सेल्स का सारा पैसा, मतलब बिल्कुल वो है कि किसी का जो है शो से हमें पता चलेगा कि इसमें तुम्हारा वो टैलेंट क्या है। वो गया आपने वो जो नंबर होता है अपने लिए इतना मिलेगा, वो है विनर। जो ऑडियंस या टिकट का जो भी पैसा है वो ये लोग विनर को देंगे। कॉन्सेप्ट के सही है क्या, जो लोग लोग जिस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं वो विनर को डायरेक्टली, पर अगर स्पॉन्सर मिलता तो फिर स्पॉन्सर से पैसा लगता, तो ये तो भाई बीच ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रघु मेरे भाई, आ जाइए। भाई रघु भाई कहाँ है? तो बहन छोड़ते नहीं, मतलब ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं कि गाली दे के फेमस नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो भाई रघु को ये भी सी रोडी में गाली देते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द पैनल मैन, कम ऑन। अरे अपने पापा से बात नहीं किया, हमने पापा का एक लेक्चर ले लिया। शो टू बिगिन मेरे भाई। रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए यार, कम ऑन। चीयर्स। उसका पापा गुस्सा हो तो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। हां जी। हुआ क्या कि पिछली बार मैं और तन्मय एक साथ आए थे तो काफी, अब हम पे 15 पुलिस केस है, 15 पुलिस केस। सर प्लीज 16। ट्रांसफॉर्म हो रहा है तन्मय भट्ट, तो करण जोहर बनना चाहता है आगे चल के, वैसा लग रहा है ना कि करण जोहर ही बन जाएगा। फेस पतला होते जाएगा तो उसका सिमिलर फेस हो जाएगा करण। तो भाई हरकत तो है ही ना, ये और समय लोग लेना देना भी तो करते हैं, तो ये चीज होगी। तुम पूरा एकदम प्रेफरेंसेस है तो भाई ये बाय लुक वैसा क्यों बनना चाहता है, जैसा था वैसे नहीं करता। वो उसको आइडल मानता होगा ना भाई, तो छोटा पड़ रहा होगा ना, मुंह में जाता है इसे, तो पतला हुआ है, बड़ा हो गया देगा। नहीं भाई, अपना आइडल जिसको मानते उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना सब। बट रीजन पतला होने का ये है कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मोटे लोगों का चर्बी आ जाता है ना आगे, तो उसको दे नहीं पाता होगा मुंह में सही से, बड़ी दिक्कत समझ रहे ना, वो दिक्कत है उसके लिए होगी ना, समझे। शुरू करते हैं गाइस, इट्स अ प्रीटी गुड रोस्ट शो ऑफ समय रहना, चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। भी है यहाँ पर। Is she here? Natalie, are you here? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम I'll tell you. I love you, baby. आज जो भी होगा ना डरना मत. Don't be scared of me or anyone here, okay? अच्छा आज आपका असली रूप देखेंगे वो। Fingers crossed. अगर मैं भड़क रहा हूँ तो शांत रघु ऐसे बोल देना, ठीक है? Calm me down. Don't encourage me. आज भी मैं और रघु स्टेज पे, तो केस तो आने वाला है डिवोर्स का। फिर हिंट दिया कि रघु का डिवोर्स करा के अपने साथ लेगा तेरा। तन्मय भाई मेकिंग मी लुक फैट। अरे कल ही मैं किसी को बोल रहा था, यू नो आई ऑलवेज न्यू मैन, वन डे समय वुड बी बिगर देन मी, लाइक हाँ मोटा तो लग रहा है आजकल, लग तो रहा है।
Love you so much, Baitan mein bhai. Kaise lag raha hai? Kaise? How are you feeling, bro? You're losing weight. Everything's going well. Everything's going well. But I'm very, very happy for you. Bhai, samay rana ke liye taali. Level in this is normal. Na to bol. Very, very happy for you. Very, very excited to be on the show. Or I just think it's cool that Sid Warrior is here because yeah. This is a show where first mental patient comes and then he fixes them. Is that it? Main wahi keh raha hoon ki मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है एक न्यूरो साइंटिस्ट का दिमाग फ्राई होते हुए देखूंगा मैं नहीं गाइस डू यू नो सिड वॉरियर यस सो ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ये यूट्यूब पे आते हैं इज अ यूट्यूबर आल्सो ये यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया मत यूज करो दिमाग खराब हो जाता है उससे See, this goes to show that the more successful a comedian becomes, the more in need they are of a doctor. I'm glad to be here. Thanks for having me. And lawyer. And we also need a room for no rent. So we have Balraj guy. Balraj will be fine. Hey, who is it? Balraj. He is the space owner. What's up, you guys? Really? You know, I think that Samay has solely, for the very specific reason, created this show. Just so he can be a judge on some panel. Comedy to kharab hi aapki, but theek hai. Should we begin India's Got Latent? All right. Up next, we have Prateek Vinod Sangle. Make some noise for Prateek. Support him, man. बलराज को इसके लिए पूरा इज्जत मिल जाता है अरे भाई ये कौन से फ्रेम में So guys, today we will speak language of drums. So let's do with me. Boompa 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 boompa. Let's do it. Boompa 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 boompa. थोड़ा और वो वाला करो ना वो वाला मैंने जोर से जो किया था वो खेल गया यहाँ पे कौन से जंगल से आए हैं आप नासिक वाले जंगल से अच्छा आप नासिक से आए हो यहाँ पे ये शो के लिए तो प्रतीक भाई ये क्या बोलते हैं इस स्टाइल को जो आपने किया इसे जेम्बे बोलते और जो मैंने मुंह पे वगैरह बजाया उसका तो अभी सोचा नहीं आप प्रोफेशनली बजाते हो जेम्बे नहीं आज पहली बार स्टेज पे बजाया क्यों व्हाई द फक तुमको ये इज दिस तुम लोग सेटअप कर रहे हो क्या ये जोक है नहीं ये लेटेंट है भाई ये लेटेंट है भाई तू पहली बार बोला मैं स्टेज में क्या आज तक मैंने कहा क्या नहीं किया मैं वही करता हूँ तो आपको ये था कि कुछ भी करके मेरे को स्टेज पे आना है ये नहीं सोचा कि क्या करना है ये आपका टैलेंट था ये है टैलेंट आपने बोला आपने बजाया नहीं आज तक कभी जिम्बे घर पे बजा तो पर स्टेज पे कभी बजाया नहीं अच्छा भाई ज्यादा मत उसकी लो उसके आगे सर पे तबला बजा देगा अभी वो मैं तो बोलता हूँ एक फ्री स्टाइल हो जाए <laughs> <laughs>
हंस भी ऐसा कि दे दिया मराठी में कोई भी वर्ड दो आप उससे रैप बना सकते हैं ना पर वो गंदे वाली है मतलब हां हां ठीक है ठीक है ठीक है एक ये कौन सा अच्छा वाला था मैं पूछ रहा गिव मी अ वर्ड इन मराठी हां हो जाए आई अरे नहीं पागल डर्टी वर्ड रुक जा रुक जा आई से फक्त अच्छा एक और वर्ड चाहिए हमने मैं कर लेगा था कर ले कम ऑन ठीक है अच्छा था टाइम तो लगेगा ना सोचने के लिए सोचो सोचो इजर वर्ड दो हां दो आंगोल मेरे पक्त अच्छा था ठीक है चलो ठीक है तन्मय ने दिला मला शब्द फक्त आता मी काढेन तर सगळं रक्त कारण मी आहे महादेवाचा भक्त कारण मी आहे या नाशिक मधला एकदम मुलगा सक्त बस झालं प्रतीक भाई आप क्या करते हैं फुल टाइम मैं भी ऐसे एग्रीकल्चर सिखाऊ तो फिर खेती वगैरह घर के काम वो सब करता हूँ ओह वाओ भाई आप कैसे दूं चार नंबर आपको मैं तो यहाँ लिखा है कि आप को इंग्लिश नहीं आती हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है भाई नहीं पर वो जब बाहर जाता हूँ तो फिर ऐसे इंग्लिश विंग्लिश बोलने वाले कुछ समझ में नहीं आता है मतलब और ऊपर से वो जो अभी मुंबई में आया था मैं पहली बार वो गेट ऑफ इंडिया वो सभी जगह गया और नई मुंबई भी गया था सब उधर नहीं गए ऐसे लड़के बैग बैग लेके वो विश्व विश्व लेके मतलब घूम रहे और ऊपर से लड़के वीड़के ऐसे कुछ भी चल रहे और क्या बोलते हैं बहुत कुछ मतलब बाल भी अभी सोसाइटी को रियलिटी चेक देने लगा कि हाँ बाहर से अगर कोई आता है तो कैसा देखे मुंबई तो ऐसा ही रहता है तब से मेरी फटती मतलब पास जाने के लिए क्या कर देंगे कुछ पता ही नहीं पर वो तो उनका चॉइस है ना वो कुछ भी पहने नहीं चॉइस उनका है पर फटती तो मेरी भी है वाइस को यही करना था ना कि बहुत सही बात तो सही है भाई बात तो सही है प्रदीप भाई यहाँ लिखा है कि आपको पानी से बहुत डर लगता है हाँ जब नहाने गए पानी पड़ा फिर भी श्वास खा लियो और मतलब गुदमर ले जैसे होता है कितना टाइम हो गया ना मतलब बॉडी पर ऐसा हो जाता अच्छा है। ऐसा हाँ सांस फूल तो आप नहाते ही नहीं हो फिर तो नहीं नहाता हूँ तो किससे रेत से नहाते हो आप पर क्या बोलते डेरिंग करके नहाता हूँ पर बढ़ती तो है पानी से तो आप गर्म पानी से क्यों नहीं नहा लेते फिर ठंडे पानी से होता ना आपको सांस चढ़ती है जो नहीं कौन से भी पानी से नदी का कुछ भी पानी देखा तो पूरी फट जाती दिन भर हो जाता बाहर बारिश होती है तब हाँ। क्या हालत क्या बारिश में बाहर निकलता ही नहीं हूँ क्या बात कर रहे हैं आज की नहीं हुई बारिश नसीब देखो रोज इतनी बारिश हो रही है तो अगर आज बारिश होती आप नहीं आते मैं आता पर पूरा ढक भीग के पूरा पैक होके आ जाता पैक होके आ जाता पैक होके आग से डर लगता है आपको क्या आग से आग, आग से नहीं लगता आग से कुछ भी करता हूँ मैं खेलता विलता हूँ आग में कूदने को तैयार हो कूदूंगा तो नहीं पर खेल सकता हूँ ऐसा कुछ भी कर कर पैर डाल के मुझे लगता है ये नीट पी के आया ये लोग थोड़ा क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेन देखो बकचोदी का शो है ठीक हाँ, है हाँ, तो बकचोदी निकलवाते भी है भाई सामने वाले करते भी और सामने वाला भी ना करके आता है हाँ, कि शो में मैं प्रेजेंट कुछ भी करूं हाँ, उसके बाद मुझे कितना स्क्रीन टाइम मिलता है हाँ, उसका ही पूरा खेल अब देख कितनी देर से बात हो रही है उसके बारे में हाँ, है ना तो क्या अब उसने इन पर्सन अभी जितना यहाँ पे इस तरीके से एंगेज कर लिया है सब लोगों को ऑडियंस को वहीं पे इसके मार्क्स बनेंगे और जिस मतलब जिस हिसाब से मतलब जो इसने मुंबई का अपना फर्स्ट रिव्यू देना स्टार्ट किया है अभी एकदम लोकल के हिसाब से आया है नासिक से लोकल कोई थोड़ा एकदम वो भी अपना टोन सेट करके आया पर मेरे को लग रहा है कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो ऐसा है जैसे बात कर रहा है
इससे थोड़ा अलग होगा, अलग ही। हाँ भाई वो थोड़ा चिल, वो थोड़ा ऐसा ना सब। पानी से डर लगता है। बलराज क्या सवाल पूछ रहे हैं? आग में कूदने को मजा आता है आपको? क्या सवाल भाई, निकाल दिया वो राजा राम मोहन रॉय ने निकाल दिया था। लेकिन वो तो लड़कियों के लिए। आग से लेकिन डेंजरस नहीं है? आग तो कभी लगवा गई फिर जल गए। आग लगा के देखो, मैं डेंजर भी बन सकता हूँ। आग लगा के दिखाओगे आप? नहीं नहीं ऐसा लगा है तो अंदर के कीड़े बाहर आ जाते हैं मेरे। तो अगर कभी आप आग से खेल रहे हो हाँ। और आपको आग लग जाए हाँ। और मेरे हाथ में बाल्टी हो पानी का, तो क्या आप मुझे डालने देंगे खुद पे कि तब नहीं? तो मेरी मजबूरी लेगी, मतलब आग पे डालना ही पड़ेगा। पर थोड़ी सी फट उस टाइम पे भी मेरी फटी जाएगी ना क्या? आई हैव अ क्वेश्चन दो, आपको पैर तक पानी का प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऊपर से ऐसा आता है ना तो फिर फट जाता है, मतलब फटते डर लगता है। तो आप गांड कैसे धोते हैं? गांड तो नीचे ही, पर वो तो बात बहुत इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। समझा बता दिया, नीचे होती है ना वो, गांड के अंदर धोना पड़ेगा तो गांड के अंदर जाएगा। और लोग मेरे शो को गाली देते हैं चोद, तुम लोग गांड साफ कैसे करते हो? उस पे पैनल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। बहन चौथ, रोडीज खराब है, रोडीज खराब है, माँ की चौथ तुम्हारी बहन चौथ। पर रोडीज तो खराब है माँ। बताओ भाई कैसे धोते हैं गांड अपनी, बताइए। अभी वो कैसे कर सकता हूँ? तो भाई रोडीज तो खराब है ना यार, चल रही है तो विकेट तो करवा नहीं सकते। हम लोग भी रोडीज के ऑडिशन देखे, मेरे पूरा रोडीज ऑडिशन को देखो बहुत सारे। हां तो ये जैसे काम करते थे तो दिलवा देते तो मतलब चप्पल नहीं ली तो घूम जाती है, तो खराब ही हुआ। तो आप हो क्या, आप बस परफॉर्म करें, चप्पल आते रहेगी आपके पास। बहुत सही यार, एक बार जोरदार तालियां फॉर प्रतीक यार। मैंने आपके साथ जाती की, मुझे आपको और देने चाहिए थे। मैंने अब अपने स्टैंडर्ड बहुत डाउन कर दिया, मुझे समझ में आ गया ये शाम कैसे जाने वाली है। प्रतीक आपको मैं दे रहा हूँ 6, ठीक है? 6, कीप इट, एंजॉय। आप मैं भी 8 दूंगा, 8 मस्त आदमी, पॉइंट्स भी सेम दे रहे हैं नहीं ना, और थोड़ा कतराया भी आग बोल रहे हैं तो उसकी तरफ देखा ना, समय लगा कि फिर कंफर्म काफी और प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा जाकिर हुसैन बैठा ना हमारे साथ। भाई मैंने 6 दिए और +2 फॉर हिज पर्सनालिटी भाई, बहुत लेट्स गो, बढ़िया आदमी है। सो टोटल 8। प्रतीक मजा आ गया तुमसे बात करके, बहुत मजा। दैट मेक्स योर एवरेज 7। 8.5। चलो फिर भी थोड़ा उससे तो ज्यादा ही सेल्फ रहा है। जोरदार तालियां प्रतीक, मुझे इसका अच्छा लगा। हाँ तो भाई तुम बताओ कैसा लगा? एक घंटे का एपिसोड शूट किया हमने, ये हाँ है ना हाँ। तो एक घंटा ये क्या वर्थ इट थे हमारे? मतलब मेरे को तो ठीक लगा, ठीक लगा हाँ। मतलब एंटरटेनमेंट के उससे अगर मैं देखूंगा वर्थ इट, मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे, एज एंटरटेनमेंट देखा और नहीं, एज एंटरटेनमेंट ही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, भाई मेरा तो प्रोडक्टिविटी वर्थ इट था, ऐसा कुछ नहीं। पर मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा हाँ, तो ये सबसे मस्त तो नहीं निकला मेरे लिए, क्योंकि पैनल अब मैं देखता हूँ इसको सिर्फ उसके लिए कि जो पैनल में बैठे आके जितने भी जज आके बैठे उन लोग कितना एंगेज कर रहे हैं बकचोदी। लेकिन रघु ने बढ़िया किया, रघु और समय है ना बीच में थोड़ा बहुत, वो समय का वो बतार तन्मय, हाँ तन्मय, इन तीन लोग ठीक किए, बाकी तो फिर नहीं हुआ। तन्मय भी बहुत कम किया, बहुत कम था। अगर पहली बार फर्स्ट व्यू, मतलब पहली बार व्यू देखने के बाद अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ हाँ। तो जिस हिसाब का मतलब सोशल मीडिया में चीजें चल रही बहुत सारी हाँ। उस हिसाब से इसने एक अलग चीज निकाल के अपने अपने सामने लोगों के सामने रखी है हाँ। या इस तरीके से भी एक शो बना सकते हैं और वो चलेगा। ऑलरेडी कोई बना हुआ शो है, उससे इंस्पायर्ड शो है ये, इंस्पायर्ड है फिर भी बात वही है कि कौन इस चीज को हिम्मत करेगा भाई। बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चलती है बाहर कंट्रीज में, इंडिया में लाने के लिए वो और रिस्क लेने के लिए उतना होना चाहिए ना हिम्मत भाई। लेकिन इसका शो ना बस वही बकचोदी वजह से मुझे लगा चल गया वो। बात ये है कि वो उस चीज पे चांस ले रहा है, हम भी लोग भी तो ऐसे बात करते हैं कि अबे किस तरीके से करते हैं क्या, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस आते हैं कि अबे नहीं भाई इस तरीके से अजीब लगेगा,
है ना, ये उस चीज को किया यूज देखो, बिल्कुल अनफिल्टर्ड और सही है यार। और ये सब लोग माता जो देखते हैं ना हम लोग का वीडियो, हम लोग अगर जो काम हम लोग कर रहे हो समरा ना कर रहा होता ना तो उन लोगों ने भी चोक मार दी होती है, इन लोगों ने पता नहीं चटाई चल चल। तो यही सीन है भाई। तो तुम कितना मतलब इस शो को कितना पॉइंट देना चाहोगे? शो को, पूरे शो को? और क्या अगर मतलब मुझे लगा इस एपिसोड ओवरऑल दोगे, अरे मतलब इस एपिसोड को ही। हाँ अच्छा, इस एपिसोड को 10 में से देना होता है कि 5 में से? 5 में से। मतलब मैंने पहली बार देखा है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने हर एक चीज में और स्पॉन्सरशिप में मुझे जो जोक्स लगे, उन्होंने स्पॉन्सर को बोरिंग नहीं किया, जैसे कई लोग स्पॉन्सर रिपीट करते हैं मतलब लेकिन लोग बार बार करते हैं तो बेकार ही लगता है, बट इसने खराब नहीं किया। तो मैं इसको 5 में से 4.5 दे दूँ क्योंकि मैं पहली बार एपिसोड देख रहा हूँ, बट मुझे सब कुछ सही लगा और सब कुछ लगा, मैं तुम्हें पसंद आया। हाँ भाई बोलो। तो भाई देखो मैं नंबर दूँ के पहले थोड़ा कुछ बता दो, पहले बातचीत हो जाए। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना, जैसे तुमने बोला कि वो पिछले वाले, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा मतलब ऐसे नहीं, इससे अच्छे अच्छे देखे हैं उसके। रवि गुप्ता वाला कितना मस्त है वो, रवि गुप्ता वाले में एक तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। रवि गुप्ता की तो अलग लगी थी, प्लस जो म्यूजिशियन आए थे वो वाला क्या नाम है जिसने वो गाना बनाया था, आदमी चूतिया वाला, हाँ वो भी मस्त था। विपुल गोयल भी उसी में था, विपुल गोयल का अलग अलग था, वो भी ठीक था, पर रवि गुप्ता वाला सबसे मजा वाला देखना भाई। हाँ। देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। तो फॉलो करेंगे, उस हिसाब से उतना नहीं था है ना, और जस्ट कंटेस्टेंट भी नहीं, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जज का बकचोदी देखने, टैलेंट देखने नहीं आ रहे, टैलेंट मोटिव ही वही है कि जज लोग कितना बकचोदी करेगा आपस में और कंटेस्टेंट के साथ, और उनका फायदा भी सारे मोस्टली जजेस इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस मतलब दो वैसे वाले, ऐसा नहीं है, चेस प्लेयर्स को भी लेके आया है, एक ना एक थोड़ा फील्ड से अलग बंदा रहता है, जैसे न्यूरो साइंटिस्ट था मतलब सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है बट उसका थोड़ा अलग चीज पे काम कर रहा है, वो चेस प्लेयर है या फिर न्यूरो साइंटिस्ट जैसे आ जाया, तो इस तरीके से आते हैं लोग। रफ्तार आए थे सबसे पहले वाले, सबसे पहले वाले में रफ्तार, और उसमें तो इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, तो फिर रफ्तार बोल रहा है एक और कंटेस्टेंट जो जीता है चलो उसको मैं पैसा ऐड कर दूंगा, एक और करवा लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी हुई थी, मतलब ठीक है शो, ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया या कुछ, मतलब शो बना ही ऐसा है कि मजा आ जाए, मतलब जो व्यूज उसको मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है। तो भाई मैं नंबर दूंगा इसको 3.5। 3.5 पुराने एपिसोड से कंपेयर, हां कंपैरिजन कर रही हूं। यस मैं मतलब शो तो ऑब्वियसली अच्छा है, वो कोई मेरा 3 है भाई, 3 है। हां ये जस्टिफाइड है क्योंकि इसके खुद ही देखे हैं इसलिए। हां वही तो, सारे फॉलो किए हैं, तो पिछली बार लास्ट वाला नहीं देखा था, इससे पहले वाला जो था दीपक कलाल उन लोग वाला, टाइम नहीं मिला, तो कितना हो गया 15 में से 4.5-3.5 हो गया, कितना 8-9 4.5-3 आठ हुआ, मैंने दिए 3-10 15 में से 11 तो बढ़िया है भाई, लौंडा तो पास है। हाँ ठीक है, 11 11 करेक्ट, पहली बार गलत हुआ दूसरी बार थोड़ी हो जाएगा, तो लग लग उड़ा उसी को मत देखना बार बार। नीचे लोग ये ना बोल दे कि भाई मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैथ्स में गलत कर रहा हूँ ना, अरे ड्राइविंग तो कर लेता है ठीक। तो गाइस 15 में से 11 नंबर, ड्राइविंग तो जेनेटिक है ना, जेनेटिक बायोलॉजिकल सही बात है। तो खत्म करें यहीं पे, खत्म करते हैं भाई, थैंक्स फॉर गाइस, पास हो गए शो के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से बेंचमार्क और बढ़ जाएगा, तो और कट्टर तरीके से हम लोग जजमेंट देंगे। तो इसको ये बताओ हम लोग एक ही पार्ट में पूरा डालें या 3-4 पार्ट में करके डालें, जैसे कितने इसमें टोटल 4 शोज हुए हैं, तो दो दो देख लेते हैं, अगर 10 मिनट के ऊपर निकल रहा हूँ क्योंकि 8 मिनट चाहिए हमको, तो मैं ऐसे करके डाल दूंगा इंट्रो इंट्रो मिला के, अगर 10 मिनट का हो रहा होगा इंट्रो इंट्रो मिला के तो वैसे ही कर देंगे फिर, है ना। बाकी शॉर्ट्स और गाइस यहाँ पे चैनल आ रहा होगा उसको देख लेना और उसपे जाके देख, तो भाई कमेंट पे गाली गलौज तो कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना जो कर सकते हो, बाकी मर्जी है तुम लोगों की, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, समझे, चल तो हमारा रहा है, चल तो रहा है तुमको, लेकिन लेकिन अपना ओपिनियन दे देना, वो जो भी है मतलब गाली दोगे ओपिनियन, जैसे ओपिनियन के नाम पे आज क्या ओपिनियन, अगर एक ऐसा करे हम लोग, ये लोग पन्ने में लिख के उसका फोटो भेजे हमें, तो हम लोग वो ओपिनियन देख लेंगे और उस पन्ने को तुम लोग गांड डाल लेना, ठीक है ठीक है भाई, चलो यही पे खत्म करते हैं, चलो भाई सायनारा।